नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में। और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। बिहार के गया में एक टॉयलेट ऐसा है जिसमें पढ़ने वाले बच्चे IIT पास कर जाते हैं। इसे अंधविश्वास कहें या मान्यता, लेकिन यह सच है कि टॉयलेट वाले उस एक रूम में रहकर पढ़ने के लिए छात्रों के बीच हुड़ मची रहती है। इसकी वजह भी है, इस टॉयलेट में पढ़ने वाले कई बच्चे IIT पास कर गए, जिसके चलते ऐसी मान्यता बन गई कि जो भी इसमें पढ़ेगा उसका सफल होना तय है। यह टॉयलेट गया के दुर्गाबाड़ी रोड के पुराने मकान में है। इस भवन में रिटायर्ड DGP अभियानन मगध सुपर 30 नाम की संस्था चलाते हैं। यहाँ 30 बच्चों के रहने के लिए 4 रूम थे। एक रूम में टॉयलेट बना था, लेकिन किसी कारण से उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। जगह की कमी के चलते कुछ छात्रों ने उसी टॉयलेट में बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ एकांत मिलता था, जिससे बच्चे ध्यान लगाकर पढ़ पाते थे। जब एक के बाद एक टॉयलेट में पढ़ने वाले कई बच्चे सफल हुए, तो ऐसी मान्यता फैल गई कि यहाँ पढ़ने से IIT पास हो जाएंगे। इसका नतीजा है कि अब बच्चे टॉयलेट में रहकर पढ़ने के लिए झगड़ा तक कर लेते हैं। अभियानंद कहते हैं कि गया अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ के गरीब बच्चों के पास पढ़ने के मौके कम थे। मैंने 10 साल पहले नक्सलवाद के समस्या के हल के लिए अपनी तरह से एक छोटी सी पहल की थी। मैं चाहता था कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने, ताकि अन्य बच्चे भी उनसे प्रेरित हों। मगध सुपर 30 में प्रवेश के लिए गरीब बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। जो बच्चे पास करते हैं, उन्हें संस्था की ओर से रहने, खाने से लेकर पढ़ाई तक सब फ्री में दिया जाता है।